हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुरसा टॉक्स। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है या आप अगर मेरे लास्ट टू वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि मैं DU LLB के रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि DU LLB का जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट था वो 23 नवंबर रात को 11:16 पे रिलीज कर दिए गए थे और उसके एडमिशन प्रोसेस मात्र 4 दिनों तक की थी, मतलब 27 नवंबर तक की थी और आज 28 नवंबर है, मतलब कल ही एडमिशन जो प्रोसेस था फर्स्ट लिस्ट का वो क्लोज कर दिए गए हैं। तो अब जो सेकेंड उसकी एडमिशन लिस्ट होगी वो 30 नवंबर को रिलीज होगी। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि इसकी जो एग्ज़ाम हुई थी वो 29 सितंबर को हुई थी, ठीक है, और जो इसकी आंसर की थी वो आई थी 19 अक्टूबर को। तो लगभग आंसर की से एक महीने प्लस में इसकी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई थी, जो कि क्वाइट डिले इस बार हो गया था। तो फ्रेंड, इस बार जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई इसमें काफ़ी कम समय दिए गए बच्चों को, तो कई सारे बच्चे पैनिक हो गए, ठीक है, उनकी क्योंकि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की पेंडिंग थी और फी लिंक नहीं आई थी। मेरी भी ऐसी ही हुई थी, तो मैंने भी कॉल्स किए थे हेल्प डेस्क पे, तो बताया गया कि नहीं वेट करो हो जाएगा, तो मेरी फी लिंक आई, फिर मैंने फी सबमिट कर दी। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकेंड लिस्ट आएगी, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट लिस्ट के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे जो कि सारे सही गए हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा खोल करके, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने बताए थे, ठीक है, वही हुआ है वहां पर, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 4-5 नंबर आगे पीछे का, लेकिन ऑन एन एवरेज वही कट ऑफ गए हैं। तो इस बार मैं सेकेंड जो कट ऑफ होगी सेकेंड लिस्ट की उसके बारे में आपको बता दूँ। तो फ्रेंड, तो फर्स्ट लिस्ट की जब हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 234 पे कट ऑफ गई थी और ओबीसी का 189 पे कट ऑफ गई है और एससी कैटेगरी का 163 और एसटी का 105 और ईडब्ल्यूएस का फ्रेंड 200 प्लस गई है, मतलब 200 पे कट ऑफ गई है। तो अब सेकंड कट ऑफ की मैं बात करूं तो फ्रेंड, ये मेरी प्रेडिक्शन है और लगभग यही होने की चांस भी है। तो जो जनरल की कट ऑफ होगी सेकेंड लिस्ट के में वो 230 से नीचे जिनका है वो होप ना रखें तो बेहतर होगा, ठीक है, और जो EWS का है उनका 180 प्लस मतलब 189 गई है, 180 प्लस वाले जो हैं वो होप रख सकते हैं और 185 प्लस जिनके हैं वो तो श्योर रहे, उनका तो सेकंड कट ऑफ में आना ही है। और जो SC हैं, ठीक है, जिनकी कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 163 गई है, उनकी इस बार कम से कम 158 प्लस आएगी, 158 5 नंबर माइनस कर लो। और ST हैं उनका 95 प्लस एंड जो EWS हैं, तो इस बार सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन EWS कैटेगरी के बच्चों का आए हैं क्योंकि इनकी सीट ट्वाइस से ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है, और बच्चे कई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन में बच्चे थे क्योंकि नई नई आई है, इसके भी कट ऑफ में स्टेबलाइजेशन नहीं आया है, तो बच्चे काफ़ी इसमें पैनिक होते हैं। तो इनके मैं बता दूँ कि 195 प्लस जिनके हैं वो सेकेंड कट ऑफ में आ सकते हैं और उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, और 195 से जिनके कम हैं तो वो होप ना रखें तो बेहतर होगा, वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनमें अभी 6 मंथ्स हैं, मतलब कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा, जून जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसी के आप तक तुरंत 4-5 दिन के अंदर में आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज आपके 6 मंथ्स हैं नेक्स्ट 2022 के लिए LLB एग्ज़ाम ऑफ DU। तो फ्रेंड, ये मेरी प्रिडिक्शन थी सेकंड कट ऑफ की और लगभग यही होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि मैं जो नेक्स्ट ईयर के जो स्प्रिंट होंगे उनको मैं गाइड करूंगा, जो भी मैं समझता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड करूंगा। आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कीजिए और आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का फ्रेंड, और मैं जो भी मेरे पास नोट्स होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, और एक चीज और कि अगर आपको DU की लॉ फैकल्टीज एक्सप्लोर करनी है घर बैठे, तो मैं उसका प्रॉपर वहां पर ब्लॉग बनाऊंगा
आपको मैं बताऊंगा, वर्चुअल टूर करवाऊंगा, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी और वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ की जो टीचिंग है, वहाँ के मूड कोर्ट्स हैं, वट एवर जो भी वहाँ पर इवेंट्स होंगे, मैं आपको उसका भी वर्चुअल टूर करवाऊंगा और आप भी वहाँ, आप भी उससे इंस्पायर ले सकते हैं, आप भी उससे कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी होगी, नहीं तो आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी अच्छे से नहीं मिल पाएंगी फ्रेंड। तो आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए या उसके बाद भी जो नेक्स्ट ईयर होगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, या फिर जो कुछ भी होगा मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की फ्रेंड्स। तो यहीं पे वीडियो की एंड करते हैं, एंड जो भी सेकंड लिस्ट में जिनका मैंने प्रेडिक्शन बताया उसमें अगर उनकी मार्क्स फॉल करती है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कि आपका सेकेंड लिस्ट में हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मैं हाजिर होऊंगा अगले वीडियो के साथ, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।